ये आपको तो अच्छी वाली फोटो दी नहीं, आज शाम को नहीं आया ना आप में उधर थे हमारे, तो फिर वो वाली अच्छी वाली किसने ली मुझे फाइनली हमारी एक फिल्म रिलीज़ हो रही है जिसमें ना सिर्फ हम हैं, हम लीड रोल में हैं और सस्पेंस थ्रिलर है और अच्छी पिक्चर है. सो वाकई काफ़ी एक्साइटेड हैं, बट उम्मीद अब यही है कि जो लोग टिकट खरीद के पिक्चर देखने पहुंचेंगे. ओके, हमने कई लोगों से बात की, आपके फ्रेंड से बात की, दे आर रियली एक्साइटेड टू सी यू इन अ वेरी इंटेंस काइंड ऑफ रोल. आप हमेशा कॉमेडी वगैरह ज़्यादा करते हैं, लेकिन आपको इंटेंस रोल में करते हुए देखना उनके लिए मतलब क्या कहते हैं, बहुत उम्दा चीज़ है माने जाते हैं. थैंक यू, मेरे दोस्तों का भी मैं आभार प्रकट करता हूँ कि उनको इतनी खुशी हो रही है मुझे इंटेंस रोल में देख के. बट इंटेंस रोल मैंने कुछ और किए हैं इसके पहले, तितली, मिथ्या, ट्रैफिक सिग्नल. सो ऐसा नहीं है कि मैं पहली बार कर रहा हूँ, तो बट आई होप ऑडियंस लाइक्स द फिल्म मोर इम्पोर्टेंटली. ओके, डीमोनेटाइजेशन के इफेक्ट होने के साथ साथ फिल्म भी रिलीज हो रही है, मनी से रिलेटेड है, तो आपको क्या लगता है फिल्म कितनी खास है? देखिए, मुझे लगता है जो डीमोनेटाइजेशन है हमारी फिल्म के लिए दोधारी तलवार है. एक तरफ थोड़ी फिल्म हमारी टॉपिकल हो गई है, बिकॉज हमारी फिल्म का भी जो बैकड्रॉप है वो यही है. आप देख रहे हैं नोट वोट उड़ रहे हैं उसमें, फिल्म में मनी है और नहीं 100 के नहीं 500 की गड्डियाँ भी हैं उसमें. हाँ, पुराने नोट.
सो थोड़ी टॉपिकल भी हो गई है, बट दूसरा उसका ऑन दी अदर हैंड ये भी है कि डीमोनेटाइजेशन का बॉक्स ऑफिस पे ऑब्वियसली असर पड़ेगा ऐसी छोटी फिल्म है. सो देखते हैं क्या होता है. कुछ आप कहना चाहेंगे? मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि हमें बहुत खुशी है कि हमारी फिल्म रिलीज़ हो रही है. बहुत बड़ी बात होती है जब हमारी फिल्म रिलीज़ होती है, क्या किसी की भी फिल्म रिलीज़ होती है. एंड उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि ऑडियंस जाए फिल्म, यू नो आई होप दे अप्रिशिएट द फिल्म एज मच एज यू नो वी थिंक दैट इट्स अ ग्रेट स्क्रिप्ट. एंड या आई मीन द वर्डिक्ट इज़ गोइंग टू बी आउट टुमारो, सो यू नो इनिशियली थोड़ी नर्वसनेस होती है, नाउ वी रीच दैट पॉइंट दैट It is what it is. तो कल रिव्यू आने वाले हैं, होते हैं पॉजिटिव क्रिटिसिज्म, नेगेटिव होते हैं, तो क्रिटिसिज्म के लिए आप तैयार है? नहीं, क्रिटिसिज्म के लिए मैं हमेशा ही तैयार रहा हूँ. इनफैक्ट बॉक्स ऑफिस आउटकम के लिए भी मैं हमेशा तैयार रहता हूँ. हर फिल्म का अपना मेरिट होता है एज फार एज क्वालिटी इज़ कंसर्न, एज फार एज बॉक्स ऑफिस इज़ कंसर्न. और क्रिटिक्स का काम है फिल्म की क्वालिटी के बारे में बताना, और बॉक्स ऑफिस का काम है फिल्म की पॉपुलैरिटी के बारे में बताना. ये दो मीटर हैं हर फिल्म को गेज करने के, और दोनों की मैं रिस्पेक्ट करता हूँ. अगर बॉक्स ऑफिस पे मेरी कोई अपील नहीं है तो वो भी सर आँखों पे के, और अगर क्रिटिक्स को भी मेरा कोई काम अगर नहीं पसंद आता तो आई नेवर टेक इट बैडली. आई ऑलवेज ट्राई टू थिंक के आई कुड हैव डन बेटर, क्या क्या जो खामियाँ हैं रह गई, अगली बार मैं किस तरह उनको पूरी कर सकूँ. So both for me, box office and reviews, critics reviews are important, and I respect them. नहीं, मैंने ट्रेलर देखे हैं डियर जिंदगी के, एंड आई थिंक इट्स लुकिंग रियली गुड. बाकी जो एक ही दिन दोनों फिल्में रिलीज होने का सवाल है, आई डोंट थिंक एक जैसी फिल्में हैं, बिकॉज डियर जिंदगी इज अ वेरी फील गुड फिल्म, कमिंग ऑफ एज स्लाइस ऑफ लाइफ काइंड ऑफ अ फिल्म, और हमारी तो काफ़ी डार्क सस्पेंस थ्रिलर है. तो दोनों का ऐसा कोई वो नहीं है कि एक जैसी हैं तो एक दूसरे का बॉक्स ऑफिस ऐसा कटेगा. आई डोंट थिंक सो. आई थिंक मतलब हमारे डियर जिंदगी ऑब्वियसली इतने बड़े स्टार हैं तो विल बी द प्राइमरी व्यूइंग ऑफ द वीकेंड, और वो हमको भी पता है. बट वी आर होपिंग दैट मो माया मनी विल फाइंड इट्स ऑडियंस, बिकॉज इट्स अ सिनेमैटिक एक्सपीरियंस. अच्छी फिल्म है, सस्पेंस थ्रिलर है, जो ज़्यादा नहीं देखने मिलते हिंदी फिल्मों में. सो आई थिंक आई मीन आई होप दैट द ऑडियंस विल कम एंड वॉच द फिल्म. हम उम्मीद करते हैं आपकी फिल्म सिर्फ सुपर हिट ना, उससे भी ब्लॉकबस्टर. थैंक यू. दो समोसे आपके लिए भी. थैंक यू. हम हैं कैदी इस नए 500 रुपए के.